ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਕੂ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਟੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰਾਕੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਦੇਖੋ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। तो ये बात की तो श्योरिटी थी कि अकाली दल बीजेपी तो आउट है, उनको तो मैं नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि शुरू से मैं कह रही थी कि 10 से नीचे ही रहेंगे। मानना है कि आम आदमी पार्टी 40 सीट्स क्रॉस नहीं करेगी, 40 सीटों तक सीमित रहेगी, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एक नई जगह पे आके 40 सीटें लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कांग्रेस का मेरा रहेगा 65 सीट्स के अराउंड लेके जानी चाहिए। ये तो हम शायद कोई ज्योतिषी दस सकते हैं, मैं नहीं दस सकता, पर मैं इन्ना जरूर कहांगा कि मैं इस इकास जरूर है कि तुसी अगली सरकार ना मुखातिब हो, अगली पंजाब की सरकार थोड़े सामने खड़ी है। लगता है कि जो एग्जिट पोल आई है काफ़ी सानू सर्वे दे मुताबक काफ़ी सीटा आउंदियां नज़र आ रही हैं और मैं समझना कि हैरानीजनक नतीजे आउणगे। जो एग्जिट पोल आया है उस तों भी वध सीटा कांग्रेस पार्टी दे खेमे विच आउणगियां और पंजाब दे अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।